जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की। श्रावण मास की हरियाली तीज अब आने ही वाली है। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह पर्व बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इसके अलावा यदि कुंवारी कन्या इस दिन व्रत पूजा करती हैं माँ गौरी की तो उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस पर्व पर हरे रंग का अधिक महत्व होता है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इसलिए इस दिन हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियाँ आदि पहनती हैं। दोस्तों, श्रावण मास माँ पार्वती और भगवान शंकर को दोनों को बहुत ही प्रिय है। माँ पार्वती साक्षात प्रकृति हैं और प्रकृति का रंग हरा होता है, इसलिए महादेव को और माँ पार्वती को हरा रंग विशेष रूप से प्रिय है। और सावन के पूरे महीने में सारी प्रकृति हरी भरी हो जाती है और इसमें वैसे भी इसलिए हरे रंग का अधिक महत्व हो जाता है। आपको बता दें कि इस साल 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज है। इस बार की हरियाली तीज को बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन रवि योग, सिद्ध योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज पर तीन शुभ योग कब कब बन रहे हैं और इस दिन पूजा का क्या मुहूर्त है। दोस्तों, इस साल हरियाली तीज का उत्सव 19 अगस्त को है। सावन शुक्ल पक्ष तृतीया 18 अगस्त को रात 8:01 से शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन 19 अगस्त को रात 10:19 पर समाप्त हो जाएगी। इस साल हरियाली तीज पर सुबह से लेकर रात 9:19 तक सिद्ध योग रहेगा। इसके बाद साध्य योग बनेगा जो कि अगले दिन सुबह तक रहेगा। वहीं रवि योग देर रात 1:47 से शुरू होगा और अगले दिन 20 अगस्त को सुबह 5:53 पर खत्म होगा। इसके अलावा इस दिन उत्तर फागुनी नक्षत्र है जो सुबह से लेकर देर रात 1:47 तक है। 19 अगस्त को हरियाली तीज वाले दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 से 9:08 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त दोपहर में 12:25 से शाम 5:19 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन 11:58 से दोपहर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सुहागन स्त्रियाँ तो कोशिश करें हरे रंग के वस्त्र धारण करें हरियाली तीज के दिन। अगर हरे नहीं तो लाल पहन सकती हैं। वैसे हरे रंग का विशेष महत्व आता है तो इसलिए सुहागन कुंवारी जो भी स्त्रियाँ हरियाली तीज मना रही हैं वो हरे रंग के वस्त्र धारण करें। एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी इत्यादि रचा लें क्योंकि इसे 16 श्रृंगार करने का बहुत अधिक महत्व आता है। 16 श्रृंगार करने से सुहागनों के व्रत पूजा की शक्ति और भी बढ़ जाती है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार करें। फिर यदि देखिए हर जगह पर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कई स्थानों पर हरियाली तीज के दिन व्रत रखा जाता है। यदि आपके यहाँ व्रत की परंपरा है तो आप व्रत का संकल्प लेकर के पूरे दिन आपको निर्जला व्रत करना चाहिए। शाम को सासू माँ के लिए बायना निकालकर पूजा इत्यादि संपन्न करके आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। वैसे कई जगहों पर हरियाली तीज के दिन व्रत रखने की मान्यता नहीं भी होती है, तो अगर आपके यहाँ व्रत रखने की परंपरा नहीं है तो सुबह को ही आपको शिव पार्वती की पूजा करके सुबह ही सासू माँ के लिए बायना निकाल देंगे, या फिर जैसा आपके परिवार में होता हो वैसा कीजिए। क्योंकि हरियाली तीज बहुत बड़ा त्यौहार है, इसकी हर स्थान पर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। आपको मुख्य रूप से बता दें कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तीज के दिन माँ पार्वती को बहुत ही अधिक प्रिय है। सुबह सुबह जब आप स्नान आदि कर लेंगे उसके बाद पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। आप हरे रंग का भी बिछा सकते हैं। फिर इस चौकी में भगवान की मूर्तियाँ स्थापित करें और भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करें। पूजा सामग्री को भगवान की मूर्तियों में अर्पित करें। हरे रंग के फल चढ़ा सकते हैं। आपने जो भी भोजन बनाया है सात्विक भोजन बनाएं, पूरी इत्यादि, आप हलवा खीर इत्यादि बना सकते हैं, जो भी आपके घर परंपरा में बनता हो। अगर आप सुबह को बायने के हिसाब से पूजा कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको खाना बना लेना चाहिए। वरना यदि आपने व्रत रखा है, कहते हैं कि व्रत रखने से, पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपने व्रत रखा है तो पूरे दिन भर आपको व्रत रखना है। शाम के समय आपको पूजा करके बायना निकालना है। सुबह को भी मुख्य पूजा आपको कर लेनी है। आप किसी शिव मंदिर में जाकर के भी शिव जी का अभिषेक कीजिए, माँ पार्वती की पूजा कीजिए, या फिर अपने घर पर ही किसी चौकी पर इस तरीके से स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। वरना अपने घर के मंदिर में ही माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करें। फिर पूजा करने के बाद आपको व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा विशेष रूप से महत्व रखती है। यदि आपने व्रत रखा है या ना भी रखा है तो भी आपको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इसी से आपकी व्रत पूजा सफल होते हैं।
यदि आपने व्रत रखा है तो आप शाम के और सुबह दोनों के समय कथा करेंगी। यदि आपको सुबह की पूजा करके आपने बायना निकालना होता है आपके यहाँ पर, तो सुबह को ही व्रत जो पूजा आप करेंगे उसके बाद आप कथा कर लीजिएगा। ऐसी कथा आती है कि शिवजी ने माता पार्वती को उनके पूर्वजन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे, तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ, वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ कराने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुमने मन में अपना पति मुझे मान लिया था। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने के राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल दूंगा, उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान हो। दोस्तों, इस प्रकार से आपको कथा सुननी चाहिए। उसके बाद माँ पार्वती की ओम जय अम्बे गौरी वाली आपको आरती कर लेनी चाहिए, और शिव जी की भी साथ में आरती करके सभी घर में सबको आरती दें। सासू माँ के पैर छू करके उन्हें बायना प्रदान करें। हरियाली तीज पर झूला इत्यादि झूलने की प्रथा आती है, तो अगर आप ऐसा कोई आयोजन करा सकती हैं अपने घर में तो ऐसा आयोजन कराइए। भजन कीर्तन कीजिए, झूला लगाकर सभी सुहागिन स्त्रियों को झूला भी झुलाइए, और सासू माँ का विशेष रूप से आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी प्रकार की आपको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए आज के दिन। सात्विक भोजन करें, सात्विक रहें, हो सके तो निर्जल व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते तो सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा, बुराई, गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना, किसी के बारे में बुरा सोचना या घर में कलह करना, इन सभी से आपको आज के दिन बचना चाहिए। सासू माँ से अगर आपकी नहीं भी बनती तो भी आपको आज के दिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ों के पैर छुएंगे तो आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, चाहे वो आपसे प्रेम करते हैं नहीं करते, वैसे करते हैं बट दिखाते नहीं हैं। अनबन तो होती रहती है सभी घरों में, तो अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी है तो घर में सभी से आज के दिन प्रेम से बात करनी चाहिए, अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए। सासू माँ का विशेष आशीर्वाद, अपने पति के भी चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मना लीजिए दोस्तों हरियाली तीज का पर्व। माँ पार्वती और भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न मन में आता है तो कमेंट में निसंकोच होकर हमसे पूछ लीजिएगा। यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हर हर महादेव।